छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख अंग कही जाने वाली मितानिनों को 3 महीने से प्रोत्साहन राशि ना मिलने से वह काफी परेशान है। बीते 3 माह से मानदेय ना मिलने के कारण उन्हें परिवार और खुद का खर्च चलाने में काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि मितानिन गाँव और दूर क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का काम करती हैं, लेकिन मानदेय ना मिलने से वह इस समय काफी परेशानियों से गुजर रही हैं। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। अभी समस्या ये है सर कि हम ना 4 महीना तक से अभी पेमेंट नहीं मिले हैं। जो पैसा जो मिलते ना मितानिन वाले, वो पैसा प्रोत्साहन राशि हमल नहीं मिले है। और एक बात और है कि जो पैसा अभी आधा ना राज्यांश देते, आधा केंद्रांश देते है ना, और फिर हाल अभी भूपेश बघेल बोले कि 2200 देना है करके है ना, तो टोटल पैसा ला हम एक साथ दे। अधिकारी मन है अब का है, अभी तो हम आए हन है ना, और वहाँ अभी ओकर कर जात हन जायकला मैडम कर, और वही सब चीज है कि ये काम बहुत ज्यादा देते। परेशानी बहुत से होते परिवार में, खर्चा बर परेशानी होते, लोग लड़का पढ़ात लिखा तेकर बर परेशानी होते, और मानदेय मिली तब तो ओकरे खर्चा करथन भैया, वही में जुड़े हन। हमन हा बहुत से काम करथन गांव में, पारा में थोड़ा वृद्धा है तेकर मन के टीकाकरण से लेकर पूरा जानकारी देथन ग्राम। हाँ जल्दी मिलना चाहिए 10 तारीख तक से। जिस समय मिताने लोग यहाँ पर कलेक्टर में आए थे उस समय अपना CMHO भी थे, हमने सामने बात हुई है, उनका ये कहना है कि मितानिनों का मानदेय अभी प्राप्त नहीं हुआ है और जो भी मानदेय प्राप्त होगा हम उनको भुगतान कर देंगे। उनका ये कहना है कि उन्होंने रिमाइंडर भी किया है, अभी भी और बात कर रहे हैं मुख्यालय से, जो भी आएगा भुगतान करेंगे।